वेलकम बैक टू इनएक्टिव प्रोजेक्ट उड़ान, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ने। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरह से डिजिटल लिटरेसी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। किस तरह से, चलिए हम आपको बताते हैं। इनएक्टस से जुड़े कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटीज को न सिर्फ एम्पावर कर रहे हैं बल्कि 21वीं सदी के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी एक ऐसा ही कदम है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस बात की अहमियत को समझते हुए इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की इनएक्टस शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स ने। ग्रामीण क्षेत्रों में बस रहे लोगों को डिजिटली अपलिफ्ट करने के लक्ष्य से साल 2015 में इनएक्टस एसएससीबीएस ने अपने प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन स्टूडेंट्स ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई सारे पिछड़े इलाकों में रोजगार पैदा किया और साथ ही वहाँ के बच्चों और ग्रामीण निवासियों को विकसित हो रहे भारत के साथ जोड़ने के लिए अवसर पैदा किए। एक चीज जो हम इनएक्टस एसएससीबीएस में बहुत ज्यादा मानते हैं, इसकी हम फिलैंथ्रोपी में बिलीव नहीं करते, वी बिलीव इन एक्चुअली एम्पावरिंग पीपल। हम नहीं चाहते कि हम किसी को एक लाइवलीहुड गिफ्ट करें, बट रादर हम उन्हें केपेबल बनाएं कि वो अपना लाइवलीहुड वो अर्न कर पाए अपने आप के तरीके से। अब किसी के लिए वी अंडरस्टैंड दैट किसी के लिए ये लाइवलीहुड, हर किसी के लिए लाइवलीहुड अपने आप बिल्ड करना इजी नहीं होता, तो हम वो जरिया बनते हैं जिसके थ्रू वो ये कर सकें, जिसके थ्रू वो अपना वो लाइवलीहुड जो वो डिजर्व करते हैं, जिसके वो कैपेबल हैं अर्न करने के, वो अर्न कर पाए। इनएक्टस से जुड़े प्रोजेक्ट्स पिछड़े वर्ग के लोगों तक मदद पहुंचाने से कई आगे बढ़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में विश्वास रखते हैं और प्रोजेक्ट उड़ान को एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाने के लिए इनएक्टस एसएससीबीएस के स्टूडेंट्स ने गांव में जाकर वहां के स्कूल्स में कंप्यूटर सेंटर्स की स्थापना की। जाहिर सी बात है, ऐसे इलाकों में जागरूकता की कमी होने के कारण इस प्रोजेक्ट को अपनाने में लोगों ने शुरुआती दौर में संकोच किया, लेकिन इन स्टूडेंट्स की जीत और मेहनत और लगन ने इन लोगों में विश्वास जगाया और आज हरियाणा और उत्तर प्रदेश दो राज्यों में प्रोजेक्ट उड़ान के तहत 6 कंप्यूटर सेंटर्स हैं, जिसका लाभ आज 500 से ज्यादा बच्चों तक पहुंच रहा है और साथ ही 6 महिलाओं के आजीविका में भी सुधार आया है। कंप्यूटर सेंटर्स के इन इंस्ट्रक्टर्स को लगभग 4 महीने की कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके चलते वो गांव के इन बच्चों को शिक्षित करती हैं और साथ अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर भी बनाती हैं। जो लड़कियां बाहर जाके कंप्यूटर नहीं सीख पा रही थी, वो यहाँ पे आके कंप्यूटर सीख रही हैं। और जो थोड़े गरीब बच्चे हैं, हमने फीस भी इतनी कम रखी है कि वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि सभी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल रही है। टीचिंग का है कि पढ़ाने का मौका मिला, फिर कंप्यूटर के बारे में हमें भी जानकारी मिली है, जैसे इन्होंने हमें पढ़ाया, थोड़ा बहुत दी है प्रैक्टिस, तो उसकी हमें जानकारी मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ तो वही इनकम अपनी, कि भाई इनकम भी हमारी खुद की होने लगी है, तो ये चीज़ का है। प्रोजेक्ट उड़ान के तहत स्थापित किए गए कंप्यूटर सेंटर्स में रिफर्बिश्ड कंप्यूटर डिवाइसेस या आम भाषा में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर डिवाइस लगाए जाते हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जिन्हें अक्सर मल्टीनेशनल कंपनीज माइनर डिफेक्ट के चलते डिस्कार्ड कर देती हैं, या फिर ये उन घरों से आते हैं जहां डेस्कटॉप की जरूरत पूरी हो जाती है। इन डिवाइसेस की बनाव में सुधार करके इन्हें इन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ये कंप्यूटर सेंटर एजुकेशनल और कमर्शियल लक्ष्य दोनों को पूरा करते हैं, जहां स्कूल टाइमिंग्स के दौरान इन्हें बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद ये साइबर कैफे फोटोकॉपी सेंटर का काम भी करता है, ताकि इसका लाभ सभी गांववासी उठा सके। गांव के लोग को एजुकेशन मिल रही है, लेकिन कुछ चीजें जो मिसिंग है उनके अंदर, फॉर एग्जांपल
उनको कंप्यूटर एजुकेशन नहीं मिल रही, जो कि आगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बच्चे जाते हैं, बच्चों को लाइक एजुकेशन उन्हें मिल जाती है, बट फिर प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही है. अगर एक छोटी सी भी जॉब है, रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है, उसके लिए भी उनको कंप्यूटर सीखना पड़ता है. तो यही प्रॉब्लम थी कि गांव के बच्चे, एक डिजिटल डिवाइड है अर्बन एरिया और रूरल एरिया में, कि उनके पास एजुकेशन है, उनके पास नहीं है. सो इसके लिए हमने कंप्यूटर सेंटर खोला वहां पे, जिसकी स्थापना लास्ट ईयर हुई थी. हमने सबसे पहला सेंटर कलोई में खोला हरियाणा में. तो उसके अंदर हमने एक कंप्यूटर लैब खोली, जिसके लिए हमने एक एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर थी, एक महिला, गांव की ही महिला थी, उनको एक हायर किया और उनको स्किल्स दी, जो जैसे कि वो लैब चला सके. उनको टीचर ट्रेनिंग दी, उनको बताया कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए. उनकी खुद की ट्रेनिंग हमने कराई ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए. Enactus SSCBS के स्टूडेंट्स का ये निरंतर प्रयास रहा है कि प्रोजेक्ट उड़ान के जरिए स्थापित किए गए इन सेंटर्स को आत्मस्थायी बनाए. कुछ इस तरह की हर सेंटर के 16 महीने पूरे होने के बाद ये प्रत्येक सेंटर से अलग हो जाते हैं. हर कंप्यूटर सेंटर को स्थापित करने में इन स्टूडेंट्स को 34,000 रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और इनका ये लक्ष्य रहता है कि 24,000 रुपए की रिकवरी के बाद उस सेंटर द्वारा उत्पन्न हो रही आमदनी और प्रॉफिट दोनों ही उन सेंटर्स के इंस्ट्रक्टर्स को मिले. हमारा मेन बिजनेस मॉडल वो ये होता है कि जो फीस हम बच्चों से चार्ज करते हैं 100 रुपए पर महीना की, इन सरकारी बच्चों से जो गांव के होते हैं, वो फीस डायरेक्टली हमारी महिला को जाती है, उनकी इनकम बनती है. और जो सेंटर पे और अलग अलग सुविधाएं होती हैं, जैसे साइबर कैफे सर्विसेज हैं और जो 3 महीने और 6 महीने की कोर्सेज हैं, इन सबकी फीस हमारी महिला की मंथली आमदनी बनती है. हमारे मॉडल इस तरीके से बेस है कि ये एक प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस मॉडल है हमारे और एंटरप्रेन्योर के बीच में, जहां हर महीने की आमदनी का एक छोटा परसेंटेज हम वापस लेते हैं अपने एक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, और आगे आने वाले प्रोजेक्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फंड करने के लिए हम सेंटर से ही पैसे लेते हैं. प्रोजेक्ट उड़ान के तहत रोजगार पा रही सभी इंस्ट्रक्टर्स को स्टूडेंट्स द्वारा पूर्ण रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम मिलता है, जिसकी प्रामाणिकता को जांचा भी जाता है. Enactus SSCBS ने न सिर्फ ये सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा शुरू किए गए इन कंप्यूटर सेंटर्स से ग्रामीण निवासियों के आज में सुधार आए, बल्कि ये प्रयास भी किया कि यहाँ से हासिल की गई तालीम से वो अपने भविष्य को भी सकुशल बना पाए. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का Enactus का ये एपिसोड पसंद आया होगा. इस बार हमने आपको दिखाया कि किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजेस, मोतीलाल नेहरू और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, अलग अलग कम्युनिटीज को टारगेट कर रहे हैं और अपनी आउटरीच को बढ़ा रहे हैं. हम इसी तरह से Enactus से जुड़े प्रोजेक्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और तब तक के लिए देखते रहिए Zee Business.